फल खाने से हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन और डाइट्री फाइबर मिलते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में होने वाली बीमारी होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। वहीं हम आपको सर्दियों में होने वाले एक ऐसे फल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके कई सारे फायदे हैं। उसको खाने से आपकी त्वचा पे भी निखार आएगा, इसके साथ ही आपके बीपी शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। इस फल का नाम है अखरोट, जिसे हम आमतौर पर ड्राई फ्रूट के रूप में भी खाते हैं। सर्दियों के दिनों में वॉलनट काफ़ी लोग खरीदते हैं, काफ़ी पाया जाता है। तो वॉलनट खाने के क्या मेडिकल बेनिफिट्स हैं? वॉलनट में कौन सी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं? वॉलनट यानी अखरोट, हम बेसिक अखरोट के नाम से ही वॉलनट को जानते हैं। अगर बॉटनी से कहें तो बॉटनिकल बेसिस से तो जुगलान स्टीजिया, जो जुगलनडेसी कुल का मेंबर है। और अखरोट के या वॉलनट के अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात करें तो मतलब वो भरपूर है मेडिसिनल प्रॉपर्टी से, रूट, बार्क, तना, ठीक है, उसकी पत्तियाँ, फूल। लेकिन ये सब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में जो हम अखरोट या वॉलनट जिसको जानते हैं वो केवल बीज होता है। इवन बीज के बाहर का जो छिलका होता है वो भी अवेलेबल नहीं होता है। तो अखरोट के सभी पार्ट्स में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो होती हैं, जैसे एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटी वायरल प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है पूरे, मतलब आप मतलब कह सकते हैं आयुर्वेद से रिलेटेड जो है डिजीज होते हैं, तो जैसे हार्ट डिजीज़ के लिए यूज होता है, स्किन डिजीज़ के लिए यूज होता है, क्योंकि उसमें एंटी मतलब फंगल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो अगर जिनके पास अवेलेबल हैं, जैसे मतलब उसकी पत्तियाँ अवेलेबल हैं या फ्रूट के छिलके अवेलेबल हैं, तो उसके जूस को रेगुलर लेने से वो मतलब बहुत सारे डिजीज, जैसे एंटी हेलमेंथिक हम कहते हैं, मतलब आम भाषा में कहें तो मतलब पेट के कीड़े, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अगर बन स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो उसके पेस्ट को या जूस को अप्लाई वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम मार्केट में हैं तो यहाँ पे सीड ही हमारे लिए उपलब्ध है, तो वो सीड भी भरपूर है सेहत के लिए, मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज से उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह होना उसमें उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो जो उसमें चीज़ें पाई जाती हैं। तो उसमें फ्रूट्स में जनरली सभी फ्रूट्स को हम इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर केवल दाल चावल या रोटी खा रहे हैं तो केवल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की पूर्ति करता है, तो मिनरल्स और विटामिन हमें मतलब बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो अखरोट के सीड्स में विटामिन की बात करें तो विटामिन ए जो आँखों से संबंधित रोगों को बचाता है, ये उसे उपचार में यूज़ किया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरे शरीर की ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है, वीकनेस आप कह सकते हैं। विटामिन सी है, तो विटामिन सी हमारे मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन के लिए होता है। विटामिन के हो गया, विटामिन यू हो गया, जो मतलब ब्लड से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर हम अखरोट का सेवन कर रहे हैं तो वो सारी मतलब हमें इश्यू नहीं होगा। दूसरे मिनरल्स, तो इसमें मिनरल मतलब 7 से 8 मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कैल्शियम पोटेशियम। कैल्शियम पोटेशियम ये हमारे मतलब खून संबंधी जो हड्डियाँ और या हड्डी से रिलेटेड संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको अब उसके लिए मतलब आने से पहले ही मतलब वो बचाव करता है, उसकी कमी से आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अखरोट सेवन कर रहे हैं तो। बाकी वो जनरल देखें तो हमारे बॉडी को कितने तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है, तो सबसे पहले पाचन। अगर अखरोट का सेवन कर रहे हैं तो पाचन संबंधी प्रॉब्लम्स किसी को नहीं होगी। मतलब उसमें जैसे सबसे पहले जैसे कब्ज हो जाता है या डायरिया हो जाता है, उसकी बीपी से संबंधित जो इश्यू होते हैं उसकी वजह है कि इसमें भरपूर मात्रा में डाइटरी फाइबर्स होते हैं। तो हमारे अखरोट अगर हम सेवन करें तो उस फाइबर्स की वजह से, साथ ही उसमें फैटी एसिड जो होते हैं ओमेगा 3 भी मिलते हैं, तो वो एक एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उसमें होती है। तो एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से वॉलनट को मतलब एंटी कैंसर्स प्रॉपर्टी उसमें है। अभी कोरोना के टाइम पे बहुत सारे शोध पत्र पब्लिश हुए हैं, तो कोरोना मतलब जो लोग वॉलनट का सेवन कर रहे थे उनमें मतलब जो कोरोना डिजीज का जो स्प्रेड हुआ बहुत कम हुआ, तो उस पर रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। इवन तो वो वॉलनट के इवन सीड में भी हैं, हालांकि वो प्रॉपर्टी उसके पत्तों में, उसके मतलब रूट्स में भी हैं, लेकिन अगर हम सेवन करें तो पाचन संबंधी डिजीज, ये पर आप कह सकते हैं। अगर हाँ डाइटरी फाइबर्स हैं तो डाइटरी फाइबर्स की वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कंट्रोल नहीं, मतलब
कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को वो डिक्रीज करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। और क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर कंट्रोल में है तो डायबिटीज, शुगर्स जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बीपी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। दूसरा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अगर आप मतलब रेगुलर अखरोट का सेवन कर रहे हैं तो स्किन संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती है वो मतलब इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है, वो डार्क स्पॉट्स हो सकते हैं, वो इचिंग हो सकती है, तो इनिग्मा हो सकती है, ड्राइनेस हो सकती है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। थ्रॉट से रिलेटेड डिजीज हैं और एंटी इन्फ्लेमेशन हम कहते हैं, जैसे मतलब कहीं पर मतलब हम अगर सेवन करें तो हमारे मतलब कीड़े कह सकते हैं कि पेट के जो कीड़े होते हैं वो मतलब इंक्रीज नहीं होते। उत्तराखंड ऋषिकेश से ईशा बिरोरिया, लोकल 18 के लिए।